नमस्ते, वर्ल्ड ऑफ रेसिपीज के किचन में आपका स्वागत है। मेरा नाम वैशाली है। आज हम देखेंगे मसाला डोसा के साथ जो आलू की सब्जी बनाते हैं उसे कैसे बनाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी होती है और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ये सब्जी बनेगी। तो देखते हैं सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मसाला डोसा वाली आलू सब्जी बनाने के लिए हमें लगेंगे आलू। ये मैंने छोटे आलू लिए हैं, ये 10 से 11 आलू हैं। फिर हम लेंगे प्याज, ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसका वॉल्यूम लगभग आलू के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, जिसको हमने ऐसे लंबाई में काट लिया है। फिर हमें लगेंगी ग्रीन चिलीज, ये ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है, ये लगभग 2 से 3 है। अगर आप तीखी वाली लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। फिर हमने लिया है एक टमाटर, जो हमने छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। गार्निशिंग के लिए हमें लगेगा हरा धनिया, तेल लगभग 2 से 3 टेबलस्पून। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून चना दाल ली है, इसको मैंने पानी के साथ भिगो के रखा है लगभग 10 से 15 मिनट। चना दाल के साथ साथ हमें लगेगी उड़द दाल, ये हमने 1 टेबलस्पून ली है। फिर ये राई है और जीरा है, ये छोटा टीस्पून लिया है, 1-1 टीस्पून। हींग है, एसाफोइटिडा, ये चुटकी भर हींग है। फिर उसके बाद हल्दी लगभग 2 टीस्पून है, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून नमक लिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 3 टीस्पून मैंने लिया हुआ है। चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में हम तेल डालेंगे। और जैसे ही तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा हम उसमें राई और जीरा डाल देंगे। राई और जीरा हमने बहुत कम लिया है, क्योंकि इस सब्जी में हमें ज्यादा जीरा और राई का टेस्ट नहीं चाहिए। जैसे ही जीरा और राई क्रैकल होना शुरू हो जाए वैसे ही हम इसमें डालेंगे ये उड़द की दाल, और इसको अच्छे से पकाएंगे। उड़द की दाल थोड़ी सी ब्राउन हो गई है, अभी हम इसमें ये चना दाल डालेंगे। ये चना दाल मैंने भिगो के डाली हुई है, अगर आप चाहें तो इसे वैसे कच्ची भी डाल सकते हैं। बच्चे की चना दाल थोड़ी मोटी होती है और इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको अक्सर भिगा लेती हूँ। ज़्यादा भिगाना नहीं है, हमें 10 से 15 मिनट काफ़ी है। भिगाने के कारण ये दाल थोड़ी जल्दी पक जाएगी। हमने यहाँ दोनों दालें डाली हैं, आप चाहे तो सिर्फ चना दाल से भी ये सब्जी बनती है। बस 1 से 2 मिनट इस दालों को हमें पकाना है। हमारी दालें भी पक चुकी हैं, हम भी जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ये डाल देंगे, इसे थोड़ा पका लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हींग, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये मसाले पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को 1 मिनट तक पकाना है हमें। बस थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हरी मिर्च, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये टमाटर।
और टमाटर को अच्छे से गलने तक हमें पकाना है। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं हम लोग आलू को थोड़ा मैश कर लेंगे हाथों से। ये जो डोसा की सब्जी होती है इसमें आलू एकदम बारीक मैश किए हुए होते हैं जैसे पेस्ट हो, तो हम इसीलिए हाथ से उसको दबाकर अच्छे से उसको मैश कर लेंगे। आलू और प्याज दोनों की क्वांटिटी लगभग हमें सेम लगती है। इस सब्जी में बहुत सारा प्याज पड़ता है। यहाँ हमारे टमाटर भी गल चुके हैं, हम इसमें अभी ये प्याज बनाएंगे। प्याज को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, बस वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। मसाला डोसा की सब्जी में प्याज का स्वाद भी बहुत जरूरी होता है और वो बहुत स्वादिष्ट लगता है। प्याज को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए हम अभी यहाँ पर नमक मिला देंगे। अभी 2 मिनट पकाने के बाद हमारे प्याज अच्छे से नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। आलू का अच्छे से हम लोग भी प्याज के साथ मिलाएंगे। इन आलू को हमें थोड़ा दबा दबा के यहाँ पे मिक्स करना है ताकि आलू के छोटे छोटे टुकड़े बन जाए। क्योंकि आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में जो हमें डोसा के साथ सब्जी मिलती है वो बहुत ही सॉफ्ट और जैसे कि पेस्ट है वैसे होती है, उसी तरह से हमें इसे भी अच्छे से मिलाना है। और अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उनको दबा के काटना है। अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी डालना है ऊपर से। काफी सारे मसाले अच्छे से आलू के साथ मिल जाए। और ये सब्जी थोड़ी सी गीली होती है, बहुत ड्राई सब्जी नहीं होती है, तो थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको मिलाएंगे अच्छे से और फिर 2 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। अब ये सब्जी तैयार है। अब हम इसमें धनिया मिलाएंगे, बहुत सारा धनिया डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अब धनिया को अच्छे से हम लोग मिला देंगे। अब हमारी मसाला डोसा वाली आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है। इस सब्जी में कड़ी पत्ता भी बहुत जरूरी है। इस लॉकडाउन की वजह से हमें कड़ी पत्ता मिला नहीं है तो हमने डाला नहीं है, बट आप कोई भी साउथ इंडियन सब्जी या सांभर जब बनाते हैं तो कड़ी पत्ता इज अ मस्ट। मुझे आशा है जब भी आप डोसा के साथ ये सब्जी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी।